नाग चंपा एक ऐसा नाम जो कि हमारे इंडिया में मोस्ट पॉपुलर और एक यूनिक फ्रेग्रेंस के नाम से जाना जाता है, और कुछ इस तरीके से आपको इसके फ्रेग्रेंस ऐसा देखने को मिलेगा। तो फिर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस यूनिक फ्लावर जो कि नाग चंपा के बारे में, और इसके जो बेसिक डिटेल्स हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नाग चंपा एज अ हमारे अगरबत्ती इंसेंस में एक बड़ा नाम है, फ्लावर में मैं कहना चाहूँ तो एक किंग भी आप बोल सकते हैं, जिस तरीके से मसाला कैटेगरीज हो गया, या फिर अभी के टाइम पे नाग चंपा एक ऐसा यूनिक फ्रेग्रेंस हो चुका है, बन चुका है, जो कि हमारे इंसेंस में भी खूब जो है डिमांडेड रहता ही है। इसके साथ साथ आपने पहले देखे होंगे कि नाग चंपा जो है मोस्टली आपको मसाला अगरबत्ती में भी देखने को मिलती थी, लेकिन अभी के टाइम पे जिस तरीके से मार्केट्स में लोगों की डिमांड बढ़ रही है एक यूनिक फ्रेग्रेंस, एक यूनिक फ्लावर की खुशबू को लेकर, सो उसके वजह से ये इंसेंस में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है कर रही है। नाग चंपा के बारे में अगर मैं कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहूँ, इतिहास बताना चाहूँ, तो इसके फ्लावर जो है काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये भगवान शिव के आराध्य, जिसे हम शिवलिंग में सबसे ज़्यादा इसे चढ़ाने का मान्यता जो है मिला है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास आप जानने की कोशिश करो तो इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि नाग चंपा एक फ्लावर है, और इस फ्लावर के बारे में बहुत कम लोगों को ही चीज़ों के बारे में पता होंगी। लेकिन होता क्या है कि ये चीज़ें जेन्युइनली या फिर जर्नली हमें आसपास या फिर किसी भी बगानों में या फिर हमारे घर के गमलों में देखने को नहीं मिलता, इसके वजह से इसके बारे में लोग जो है उतनी नॉलेज नहीं रख पाते। देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, जो कि आज हम तो रिव्यू करने वाले हैं इसके फ्रेग्रेंस के बारे में, इसकी फ्रेग्रेंस की खूबियों के बारे में। सो फिर कुछ इस तरीके से आपको ये ग्राफिक्स जो है देखने को मिलेंगी, जो कि यूनिक हमने एक बहुत सुंदर ढंग से इसके ग्राफिक्स तैयार किए हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये बॉटल्स देखने को मिलेंगी। सो फिर सबसे पहले हम करते हैं इस फ्रेग्रेंस को अनबॉक्सिंग, इसके साथ साथ इसके बेसिक डिटेल्स भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फ्रेग्रेंस अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आप हमारे चैनल में आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रख लीजिए। सो फिर यहाँ से जो है हमारा लिक्विड हो गया है ओपन, कुछ इस तरीके से आपको इसके लिक्विड्स देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा एक सूदिंग फ्रेग्रेंस इस नाग चंपा में आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहीं पर भी अभी फ्रेग्रेंस ओपन करते ही, परफ्यूम्स ट्रांसफर करते ही इसके फ्रेग्रेंस समझ में आ गए। आगे हम बात करते हैं इसके फ्रेग्रेंस के बारे में, तो ये बेसिकली हमारा जो नाग चंपा है इसमें दो टाइप के आपने देखे होंगे, नॉर्मल जो चंपा के फ्लावर्स होते हैं, पिछले ही वीडियोस में हमने जिसके बारे में बात किया था, जिसमें हमारा रजनीगंधा था, चंपा था, केवड़ा था, तो उस चंपा से हट के इसका फ्रेग्रेंस आता है। हालांकि चंपा का जो नाम सेट हुआ है नाग प्लस चंपा, चंपा मीन्स लोग सोचते हैं कि भाई चंपा का जो बेसिक फ्रेग्रेंस है क्या उनसे मिलता जुलता है या उनसे अलग है, तो इसी का हम जो है थोड़ा सा एक ट्रायल टेस्ट कर लेते हैं, और इसके बेसिक नोट्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर हमने कुछ स्टिक्स डीप कर ली हैं जस्ट चेकआउट के लिए। सो फिर इसके नोट्स को समझने की कोशिश करते हैं, बेस्ट किस टाइप के फ्रेग्रेंस आपको इस नाग चंपा में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज, जो इंडियन फ्लावर का जो बेसिक फ्रेग्रेंस होता है तो उसके नोट्स आपको आएंगे, और जहां तक भाई मैं कहना चाहूं तो चंपा का इसमें थोड़ा सा मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा, बट ये अप्रोक्स मैं कहना चाहूं तो 20% से ज्यादा का नहीं है। बेस नाग चंपा का जो बेस फ्रेग्रेंस फ्लावर का जो टोन है वो आपको 100% देखने को मिलेंगी, साथ में थोड़ा सा ऊडी बेस इसके नोट्स आएंगे जो कि मिडिल बेस में आपको देखने को मिलेंगी, और इसके साथ आपको एक अच्छी और यूनिक चीजें जो है देखने को मिलेंगी वो है हमारा पचोली।
पचोली मीन्स ये एक बेसिक फ्रेग्रेंस में यूज होने वाला एक ऐसा खुशबू है जो कि ऑलमोस्ट काफी सारे फ्रेग्रेंस में आपको पचोली के टोन या फिर नोट्स देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा बेस नागचंपा, जिसमें पचोली के आपको इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलेंगी, मतलब इसके फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं बताया कि थोड़ा सा वुडी बेस फ्रेग्रेंस रहेगी और साथ में हल्का रोज का भी टोन इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा इसके मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूं तो थोड़ा मस्की बेस नोट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। अप्रोक्स देखा जाए तो ये काफी यूनिक फ्लावर है। आप किसी भी कैटेगरीज में आप इसे यूज करना चाहो, सपोज हम जो है डिपिंग प्रोसेस के लिए करते हैं, कलर अगरबत्तियां व्हाइट या फिर ब्लैक, इसके साथ साथ हमारा कोन्स स्टिक्स इन सब चीजों में भी आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इसके सेकेंडरी सॉल्यूशन या फिर इसके और जो यूज करने के तरीके हैं जिसमें मसाला इंग्रेडिएंट्स में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। फ्लोरल नोट के साथ साथ ये मसाला में भी बहुत जबरदस्त क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगी, जिस तरीके से हमारे नागचंपा के मसाला अगरबत्ती आपने देखे होंगे तो उसी तरीके से आप मसाला भी इसमें से बना सकते हैं। किसी भी तरीके से काउडंग वाली प्रोडक्ट्स में भी ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस देगी, जिस तरीके से पिछले वीडियोस में मैंने सीवम फ्रेग्रेंस के बारे में बताया हुआ था, तो उसी तरीके से आप इसे किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, मसाला इंग्रेडिएंट्स या फिर काउ प्रोडक्ट्स या फिर डीपिंग प्रोसेस जिसमें ब्लैक व्हाइट कलर धूप स्टिक्स कोन एनी कैटेगरीज, तो इन सब के लिए एक बेटर सॉल्यूशन, एक बेटर नागचंपा की तलाश में अगर है आप, जो प्योरिटी हो, फ्रेग्रेंस लास्टिंग करे, बूस्टिंग भी काफी अच्छा हो और हमारे प्रोडक्ट में लॉन्ग टाइम तक फ्रेग्रेंस टिक के रहे, तो आप इसे ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसके बेस्ट डाइल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो अप्रोक्स ये हमारा 1:4:5 का रेशियो जा सकता है। बाकी आपको मसाला में किस तरीके से यूज करना है, कितना रेशियो जाएगा उसमें, वो आगे किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए एक यूनिक फ्रेग्रेंस के लिए लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।